आज अपने बीच कदीर भाई हैं। कदीर भाई अपने क्लिनिक के बहुत वक्त से साथी रहे हैं। इनको वक्त ऐसे लग गया कि इनका पथरी पड़ती थी गुर्दे में और वो पड़ती ही रहती है। अब काफी कम हो गई हैं, लेकिन जने कितनी पथरी इनकी निकली, शायद ये भी पूरी पथरी के बारे में ना बता पाए, लेकिन ये बहुत अच्छे व्यक्ति हैं और आज अपने साथ क्लिनिक पे दिन में आ गए हैं, तो हमने कहा चलो एक वीडियो शूट कर लेते हैं आपको गुर्दे की पथरी के बारे में और अपने क्लिनिक के बारे में। करीब भाई, हाँ, जिंदगी मौत देना ऊपर वाले पाक परवरदिगार के हाथ में है, लेकिन जिंदगी मौत तो ऊपर वाले के हाथ में है, लेकिन यहाँ पर डॉक्टर साहब का सवाल है। डॉक्टर साहब की ईमानदारी के एक नज़ीर पेश है और ईमानदारी के एक हर समय ईमानदारी की जितनी तारीफ की जाए कम है, और ईमानदारी के साथ इनको नॉलेज भी, डॉक्टर साहब को जानकारी बहुत है। हमारे गुर्दे की प्रॉब्लम का समझ लीजिए कि 13 मार्च और सन 2011 से है। मैं दर्दर के ऐसे ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर को दिखाया, जहां डॉक्टर ने जवाब दिया मैं मरने के कगार पर था, लेकिन जब मैं डॉक्टर साहब के यहाँ आया था तो मेरी हालत इतनी जर्जर थी, मैं जान पर रहा कि मैं 2 या 3 महीने में मैं जिंदगी से हाथ धो लूँगा। मैं बड़ी मुश्किल से डॉक्टर साहब के क्लिनिक पर किसी तरीके से हम पहुँचे, और ऐसे ऐसे स्पेशलिस्ट डॉक्टर लखनऊ के, जो हम किसी गुर्दे के डॉक्टर को हमने नहीं छोड़ा है, यूरो वाले पेशाब, यूरो के और गुर्दे के दोनों जो पेशाब संबंधित उनको भी दिखाया, गुर्दे भी दिखाया, लेकिन किसी से मुझे फ़ायदा नहीं हुआ। आयुर्वेदिक में मैं भी गया तो आयुर्वेदिक का एक शिवकरण वर्मा था, उसने इलाज किया, लेकिन आखिरी में उसने भी कहा कि आपके कैल्शियम फास्फेट की पथरी बन रही थी, 23 पथरी बन रही है, जिसका इलाज बड़ी मुश्किल है। और ऐसे ऐसे डॉक्टर ने जवाब दिया, जो हम कारपी अरहन साहब जैसे, हरीश चंद्रा जी और ऐसे ऐसे डॉक्टर जो गुर्दे के थे, हम आर पी देव अपने बहराइच में दिखाया, आर पी देव जो है हेमोपैथी का माना जाना डॉक्टर है, उसको दिखाया, उससे भी नहीं फायदा हुआ। ऐसे ऐसे डॉक्टर हमने दिखाया जिनको हम सहारा तक गए और मुझे कोई कामयाबी नहीं मिली, लेकिन डॉक्टर साहब के हाथ से हम 3 साल तो इलाज करते मुझे हो गए, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। अब थोड़ी बड़ी प्रॉब्लम जो हो रही है वो भी इंशाल्लाह ठीक हो जाएगी, और डॉक्टर साहब की जितनी शुक्रिया अदा की जाए उतनी कम है। ऐसे डॉक्टर खाली मुश्किल से जुज भी मिलेंगे। मैं झूठ नहीं कह रहा हूँ, मैं न प्रचार में हूँ, मैं मुहम्मदन हूँ, मैं सच कहता हूँ, मैं कसम कहता हूँ, ऐसे डॉक्टर बहुत मुश्किल है मिलना। इनकी दवा से मुझे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ। मैं कोई दलाली फंदे की बात मैं नहीं कह रहा हूँ, मैं हकीकत कह रहा हूँ। डॉक्टर साहब जैसा कोई योग कोई नहीं है, और मैंने पहले ये भी बताया कि मौत जिंदगी अल्लाह के हाथ में है, मैंने ये तो नहीं कहा डॉक्टर साहब, अगर हम डॉक्टर साहब के मिले होते या उनके हम उन्हीं के आदमी होते तो हम ऊपर वाले का नाम नहीं लेते। हमने पहले ही कह दिया कि मौत जिंदगी पाक परवरदिगार के हाथ में है, डॉक्टर के हाथ में मौत जिंदगी है, बट डॉक्टर साहब का काम है दवा देना और शिफा करना, न शिफा अल्लाह के हाथ में है, लेकिन होशियार डॉक्टर जो है उसकी दवा जब लगती है तो मरीज को शिफा होती है। और डॉक्टर साहब ईमानदार हैं, डॉक्टर साहब जांच में एक पैसा कमीशन, मैं कसम खाए कहता हूँ, मैं इस बैठे हैं में कसम, जहाँ चाहो तहाँ मुझसे कसम, एक पैसा डॉक्टर साहब कमीशन नहीं लेते हैं। जो अल्ट्रासाउंड 850 का होता है, 1000 का होता है, डॉक्टर साहब के पर्चा चाहे जहाँ जा कहते हैं 500 रुपया 400 का अल्ट्रासाउंड होता है, और इनकी दवा इतनी बेहतरीन फायदा करती है कि हम एलोपैथिक फेल है। कदीर भाई अपने साथी हैं, ऊपर वाले की रहमत बनी है इस क्लिनिक पे, मैं कहना चाहूँगा। हम लोग तो दवा दे देते हैं, शिफा उसके हाथ में, और इनका भरोसा है जो ये बहुत दूर से बहराइच से यहाँ तक आते हैं। हम काफी दूर से आते हैं, फोन पे कहते हैं हमेशा बहराइच से बहराइच वाले कदीर भाई बोल रहे हैं, तो उस तरह आते हैं और आज ये दिन में आ गए हैं। तो जैसा अपना एक ट्रेडिशन है कि हम लोग की ऐसे में पार्टी चलती है, आज कदीर भाई हमारे ठीक है, अब ये डर के कारण दवा ज्यादा ले रहे हैं कि घबराहट कारण, किसान व्यक्ति है, बड़ी मेहनत करते हैं, और आप अधिकारी भी हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग में आप अधिकारी भी हैं, तो आप मेहनत बहुत करते हैं, तो यह पथरी जो थोड़ा बहुत, अब इनके अब उतनी बड़ी पथरी नहीं पड़ती है, लेकिन जो जरा बहुत छोटी छोटी पड़ जाती है, वह भी ऊपर वाले ने चाह तो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगी। धन्यवाद।
पथरी जितनी मेरे बनते हैं गुर्दे में उतनी पथरी किसी के नहीं बनती है। हमारी पथरी जो है एक महीना इलाज हम न करें तो 6 mm की 7 mm की पथरी तैयार हो जाती है, लेकिन डॉक्टर साहब की दवा से पथरी बनती हैं ये है, लेकिन बहुत रुक रुक के बनती है, स्पीड वो कम भी हो गई और पथरी की बनना संख्या कम हो गई और बिल्कुल मुझे जितनी दर्द थी गुर्दे में वो दर्द से बहुत छुटकारा पाया, मामूली बची है। और हमारे क्षेत्र जवार में इस वक्त नौजवान तबका कम से कम 20-25 लोग मौत के शिकार इस वक्त 1 साल के अंदर हुए हैं किडनी से, केवल किडनी के, जो कि तुरंत गुर्दा पर तुरंत उनको ले जाते हैं यहाँ तक कलकत्ता, कोई ले जाते में हुआ कलकत्ता हॉस्पिटल पहुँचा वहाँ ख़त्म हुआ, ऐसे ऐसे बम्बई ले गए, बम्बई तक दिल्ली एम्स में दिखाया वहीं ख़त्म है अस्पताल में। यही एक दहशत है जो कदीर भाई के बैठी थी और हमारा प्रयास था यही दहशत को मैं निकाल लूं और अब इनके ये दहशत नहीं रहनी चाहिए, ये बिल्कुल ठीक है, ऊपर वाला चाहेगा जब तक चाहेगा इनको कुछ नहीं होना है, ऐसी इस क्लिनिक की दुआ है और ऐसा इस क्लिनिक का सोचना है। आप सबका हम लोग के साथ देने के लिए बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।